वेलकम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जिसकी लिंक मैंने शेयर कर दी है। To write a composite prime factorization means to write a composite number as a product of its prime. मैं एक composite number ले रही हूँ 24. अब हम 24 को as a product of its prime की form में लिखेंगे। तो हमें इसके लिए 24 को divide करते जाना है और divide करने के लिए हम केवल prime numbers का ही use करेंगे। हम लिख लेते हैं कि prime numbers कौन कौन से होते हैं। prime numbers start होते हैं 2 से, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, फिर 5, 7, 7 के बाद 11, 13 एंड सो ऑन। तो मैंने कुछ प्राइम नंबर्स यहाँ लिख लिए हैं। अब मुझे ये जो कंपोजिट नंबर 24 है, इसे मुझे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 2। आप चाहे तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 24 इज डिविजिबल बाय 2, 3, दोनों ही नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो मैं 2 से ही कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ। मैंने 2 से डिवाइड किया इस नंबर को और 2 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट आएगा 12 आएगा। अब मैं 12 को भी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करूंगी, तो मैं इस बार फिर से 2 ही ले लेती हूँ। आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड किया तो 2 6 are 12। अब फिर से 6 को डिवाइड करने के लिए मैंने फिर से प्राइम नंबर लिया। आप चाहे तो 3 भी प्राइम नंबर ले सकते हैं। चलिए इस बार मैं 3 ले लेती हूँ। मैंने इस बार 3 प्राइम नंबर लिया, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 टू टाइम्स, और वापस से लास्ट में 2 प्राइम नंबर है, 2 से ही डिवाइड हो पाएगा और हमारा लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चेंट 1। तो हमने 24 को इस तरह से प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया है। तो हम 24 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 2 are 24। तो हमने 24 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं लेती हूँ एक नंबर 120। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब मैं लेती हूँ नंबर 120 को भी हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो हमने ले लिया 120। बस फिर से आपको वही ध्यान रखना है कि आपको 120 को डिवाइड करना है, लेकिन प्राइम नंबर्स को ही यूज करना है। तो इस बार मैं 2 और 3 प्राइम नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बार 5 प्राइम नंबर लेकर कर रही हूँ। 5 से डिवाइड किया, जब 5 से डिवाइड किया 120 को, अगर आपको डिवीजन डायरेक्ट आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर 120 को 5 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 5 2 are 10 एंड 5 4 are 20। तो इसका मतलब है जब हमने 5 से डिवाइड किया 120 को तो क्वेश्चन आएगा 24। आप यहाँ 24 लिख लीजिए। अब 24 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 और 3 से हो सकता है, तो इस बार मैं 3 से डिवाइड करती हूँ। 3 प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। अब मैंने फिर से 8 नंबर है, 8 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 2 4 are। अब 4 आ गया, 4 को फिर से प्राइम नंबर 2 से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और फिर लास्ट में 2 को फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो अब हम 120 को प्राइम नंबर्स की के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा आया है 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो आप यहाँ देखोगे कि हमने 120 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम की फॉर्म में लिख दिया है।
ये जो सारे नंबर है 5, 3, 2, 2, 2, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद वापस 120 देंगे और ये सारे ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 5, 3 जार 15, 15, 2 जार 30, 32 जार 60, 62 जार 120। तो ये हमारा 120 को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम की फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आपको उसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन है 45, फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकेंड नंबर इज 135। आप इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यही आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू एंड बाय।